what happened when you when she got pregnant? Oh, unbelievable, because hum logon ke liye I'm a sucker for children. Mujhe bachchon se ishq hai. मुझे और बड़े लोग कहते हैं कि बेबी सिटिंग करानी हो मेरे को करा दो. तो आई रियली वॉन्टेड माई ओन बेबी इवेंचुअली. और आई थिंक शादी के 4 साल बाद रायान फिर पैदा हुआ. एंड व्हेन वी हर्ड आई मीन माई फैमिली वाज ओवर द मून. एंड व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू हेल्ड योर बेबी इन योर आर्म्स? फिनोमिनल. आई मीन आई वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू सी हिम. रायान टू डेट फॉर मी इज माई प्राइड. He's my pride. You have one or two? I have two. You have two. I have two with me. So this Afia, who is now turning 4, और वो मैं समझता था कि मुझे मायरा मुझसे ज़्यादा कोई मायरा से प्यार नहीं कर सकता. लेकिन वाकई आफिया ने सिखाया कि इश्क क्या होता है. जो उसको अपनी माँ से इश्क है किसी को नहीं हो सकता. And I'm so proud of that. That mother-daughter relationship. So you lost one baby. We lost two. You lost two babies? Twins. Yeah. You had twins? We had twins. What happened? It was a very tough time. In fact, it's the toughest time of our lives. And how big were they? They were just about to be born. They were ready to come and everything was hunky-dory. And a freak incident. And they went. And it was such a dramatic moment that 2012 Olympics, I represented Pakistan at the Globe. और उस हाई से मैं वापस आया था कि शेक्सपियर का प्ले उर्दू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी. और फिर हम वापस आए और फिर बेटियां. और हमारे घर में बेटियां नहीं थी, ना बहन थी. मायरा की बहन का भी बेटा है, वेस की भी दो बेटे थे. वाज ऑल बॉयज हॉस्टल. तो इंटायर हाउस होल्ड पूरी ख़ानदान में खुशियाँ थी कि अल्लाह ने दो बेटियाँ और इकट्ठे. सो वी वर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड. जस्ट वन फाइन डे मायरा सेड आई फील नो मूवमेंट. तो वी वेंट और फियर ऑफ ऑल फियर्स. तो उन्होंने कहा फ्रीक इंसिडेंट दैट नीदर ऑफ देम हैज सर्वाइव्ड. तो दैट वाज डेविस्टेटिंग. तो वहाँ से वापस आया था लंदन से. एंड इट वाज वेरी डेविस्टेटिंग. एंड आई थिंक हम लोगों को. एंड ये बच्चियाँ कहाँ प्लेस थी? They were दोनों बेटों के बाद. ये पहले बेटे के बाद, रायान के बाद. रायान के बाद. रायान के बाद. एंड वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग. एंड यू कैन इमेजिन के जहाँ हम लोग इस स्टेज पे थे कि हम तो सब कुछ ले लिया था, कॉट शॉट सब कुछ तैयार, रेडी टू गो. अरे गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे 3 हो जाएंगे. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग देम इन अ कॉट, आई वाज प्लेसिंग देम इन अ ग्रेव. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट कन्वर्सेशन जो मैंने अपने भाई से की थी. और ओवेस ने कहा था, जब उसने कहा ही वॉज डेविस्टेटेड. ओवेस बड़ा टफ है, बहुत टफ है, लेकिन एक्सटीरियर जितना टफ है उतना ही नरम अंदर है. तो ही सेड ओ माय गॉड यू हैव टू बेरी देम. जब वो कहा ना तो आई वॉज शैटर्ड इनसाइड के ओ गॉड. एंड फिर आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ के अभी नहीं है, होल्ड माई सेल्फ. अभी बड़ा कुछ करना, अभी ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज, यू नो द थिंग्स. और मैं ही भाग दौड़ कर रहा हूँ. पीपल केम इन, अम्मी, कर्नल साहब, एवरीवन, दोस्त आ गए. और मायरा से मैंने कहा था कि क्या करना है. शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू गो होम इन दिस कंडीशन. लेकिन ऑब्वियसली उसको फिर सीडेट करके फिर सब होना था. तो एज इफ हमारे इंस्टिंक्ट था, बड़ी मॉर्बिड बात करना, इंस्टिंक्ट था कि माँ को नहीं दिखाना, जस्ट बेरी देम, यू नो. जब बेरियल के लिए गए देन आई डोंट नो एनी कंट्रोल. आई ब्रोक. आई कंप्लीटली ब्रोक विद माय फादर इन लॉ देयर, हिज ब्रदर देयर, माय टू बेस्ट फ्रेंड्स देयर. एंड दैट एक्शन ऑफ लिटरली डूइंग दैट वॉज डेवस्टेटिंग. और मुझे पता नहीं कहाँ से किसी की, मेरे ख्याल से माजिद साहब मेरे एक बॉस थे, उन्होंने एक दफ़ा कोई बात कही थी जब मेरे कज़न के साथ हो रहा था बड़ा कुछ. तो उन्होंने कहा था कि यार नो फादर, नो पेरेंट शुड एवर हैव टू बेरी देयर चाइल्ड. नो. और वो कैफियत जो है वो अल्लाह ना करे किसी के ऊपर गुजरे, लेकिन वही बयान कर सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो. एंड खैर वो क्लोजर उस तरह का था. लेकिन खौफनाक बात मैं कहने लगा कि माओं को देखना चाहिए, अपने उन बच्चों को के साथ वक्त गुजारना चाहिए. बेशक ये साल में थे, मुझे तो फिर भी किसी हद तक क्लोजर मिल गया. माँ को नहीं मिला. शी वेंट थ्रू हेल एंड केम बैक. और ये गलत है हम लोगों के. वही मैं कह रहा था, हमारे जो विजडम्स हैं हम लोग उससे थोड़ा हट जाते हैं. मुझे तब जाके ख्याल आया बड़ी चीज़ों के बारे में. एक तो सबसे पहले सबमिशन.
I learned what submission means. मैं उस हॉस्पिटल के यहाँ नमाज पढ़ते हुए सजदे में सुभान रब्बी अला तो नहीं कह रहा था, आई वाज जस्ट सेइंग गॉड आई सबमिट, आई एम नथिंग, हम लोग कुछ नहीं, आई सबमिट जो है मेरे इख्तियार में नहीं है, आई सबमिट जो भी है मुझे इसे गुजरना है तो बस गुजार दे, हेल्प मी एंड हेल्प द वंस लाइक मायरा। दूसरा मुझे ख्याल आया छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं कस्टम्स में, उनकी असल लॉजिक है कोई यार, हम बार बार पूछना किसी से क्या हुआ, इस कथारसिस, इट्स एक्सेप्टेंस कि इस तरह हुआ, बार बार कहने से उसके ज़रा ज़ख्म थोड़ा कम होता है, गायब नहीं होता, अभी भी आँख नम होती लेकिन कम होता है। शक्ल देखना, बिल्कुल चेहरा दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि ख़वातीन जाएँ दफनाने के लिए, एज लॉन्ग एज कोई हर एक तमाशा ना करे, एक अदब के साथ। तो कोई नहीं करता, वो तो पुराना जमाना, वो जमाना था। लेकिन और जमाना था। अच्छा, रोना बहुत अहम है, कौन कहता है नहीं रोना चाहिए, स्टूपिड कैथारसिस है एंड यू मस्ट हैव दैट। तो खैर, ये बनाया गया आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे तो आप फट जाएंगे। हम इंसान हैं, हमें एहसास करना है, जब एहसास निकल गया, और मैं फिर घुमा के तालीम की तरफ लेके आऊँगा, जब हम सिर्फ कहेंगे कि इसको डेवलप करना है इल्म ने और इसको हमने नहीं रखना, ना रूह को ना दिल को, तो हम मशीन बना रहे हैं बच्चों को, इंसान नहीं बना रहे। हमारी जो है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ें इंसान बनाती हैं, तो हमें एहसास करना है। और जो वो कहते हैं फ़ख्र भाई कहते हैं, दी ओनली वे थ्रू इज़ द वे थ्रू, गुजरना है तो फिर गुजर और एक्सपीरियंस करके। तो आप दोनों मियां बीवी इस हादसे से निकल कर बाहर आए, तो आप में क्या बदलाव था, क्या बने आप दोनों? बिकॉज वी बिकेम स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये मेरे ख्याल से और वाकई अंदाजा हुआ कि कहीं भी जा सकता था, घर टूट जाते। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कितने लोगों के टूटे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी केम आउट स्ट्रॉन्गर। और कुछ नहीं तो सिमिया जी, एहसास हो गया कि मसला होता क्या है, तो अगर रोटी ठंडी मिले तो कोई गिला नहीं होता, यू नो, यू एक बैरोमीटर सेट हो गया कि ये है मसला। तो जैसे मायरा और मैं शादी के बाद हम लोग इंग्लैंड गए, तो हम लोग एक रोलर कोस्टर पे चढ़ गए, ओब्लिवियन वर्टिकल ड्रॉप डाउन। तो जब उसके बाद मायरा को मैं कहता यार, यू पास ओब्लिवियन, यू कैन पास एनीथिंग, दिस वॉज आर ओब्लिवियन, वी पास दैट। तो फिर एक ज़रा टफ हो गया कि यार दिस टू शैल पास, एवरी अदर और आए मसले बहुत आए, ऐसे भी गुजरेंगे इंशाल्लाह, बट इट हैज़ बीन वेरी काइंड दैट वेंट, खैर गॉड हैज़ बीन सो काइंड, वी गॉट आफिया, वी गॉट आफिया विद दिस नाउ, सो व्हाट कुड बी बेटर। इतना प्यारा रिलेशनशिप है ये बच्चों का और माँ का और बाप का, और स्पेशली बेटी का और बाप का। Yes, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है अच्छा। क्योंकि वो तो माँ की आशिक है। हाँ। अभी मायरा गई रही है 25 दिनों के लिए दूर, तो मैं और बच्चे हैं। ओह, तीनों? Yes, सिर्फ हम तीनों, और इनकी सारी ड्यूटीज ये वो, तो उसमें अल्लाह ने बड़ा मौका दिया कि मैं जरा आफिया को जरा घेरे अपनी तरफ। अब मैं जा रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो उसे घेरने के लिए? Just spending quality time. वही आपने कहा just to see. Oh yes, वो तो मेरा, I mean that comes naturally to me. तो हमें कोई भी चीज़ करवानी हो ना, things are not routine, things are stories for me. दांत अगर ब्रश करने तो गंक एंड स्पाइक की कहानी होगी कि वो गंक अंदर चला गया, oh my god, वो कहाँ दे, स्पाइक वहाँ जाओ, स्पाइक बचो बचो, एंड देन हाइड एंड दे गेट आउट। फिर आखिर में जब हो जाता है तो एक नारा होता है मन दोनों का, क्या, गंक एंड स्पाइक टेक अ हाइक। तो कभी बच्चे बड़े ने कभी ये नहीं कहा कि अब बस कर दे? नहीं नहीं, अब उसी से तो शुरू किया था। अच्छा। मैंने उसे शुरू किया था, वो है हाँ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है उस उम्र पे, कि इट्स अनकूल, लेकिन उस आई एम सो ग्लैड रायान इज माशाल्लाह इज वंडरफुल चाइल्ड, ही स्टिल कीप्स हिज चाइल्ड अलाइव। तो वो आफिया के साथ बच्चों वाले खेल खेल रहा होता है, 7 साल का फर्क है, लेकिन वो दोनों लगता है जैसे हैं। So, because he keeps having fun with those small things. So, teen hai. Well, the two now. So, there's Ryan and there's Afi. अच्छा, ये जो आपके दोनों बच्चे हैं, जो बड़ा है, उनके कितना difference है? 7 साल का. Ah. 7 year difference. So, जब ये दोनों यहाँ बाजू में हैं, तो वो एक और तरह से है, वो 7 साल का है. That's true. एक age difference है. Yeah. So, how do you handle that? तो कि कहानी एक तो नहीं सुनाई जा सकती फिर? नहीं, रायान इज सो रिसेप्टिव टू देम। ओके, वो उसके साथ बैठ के केयर बेयर्स देखने के लिए बैठ जाएगा उसको अगर दिल चाहा। हाँ, फिर टाइम वेज होते हैं हमारे के
ऑब्वियसली उसके नेचुरल रिक्वायरमेंट, वो फुटबॉल देख रहा है अब एकदम से शुरू हो गया है, वो कोई और चीज़ें देख रहा है, बट ही इज़ गॉट अ सेपरेट मोमेंट्स. तो वी सेपरेट टाइम इसके साथ, आफिया के साथ, जब रायान स्कूल में, आफिया घर पे, जब आफिया को सुला दिया उसके बाद रायान के साथ. सो वी फोकस ऑन दोज टाइम. ये नाम किस तरह चूज किया? रायान की हमें चंद नाम हमने लिखे, रायान, आफिया ने, मायरा ने और मैंने, तो फिर चंद नाम हमें पसंद आए, रायान, जैन, अली. मुझे जेनेडीन बड़ा पसंद आया, तो मायरा ने तो कही क्या मतलब जेनेडीन, जैन उद्दीन है हाँ. यार जेनेडीन बड़ा हाँ. जैन कहेंगे तो मैं, जैन भी तो अच्छा नाम है, पर खैर वो वीटो हो गया, क्या कर सकते. तो हमने, आप इससे अंदाजा लगाए, हमने रायान जो कि भी पैदा नहीं हुआ था उससे पूछा कि तुम्हें क्या नाम पसंद है हाँ. तो वो कोक पे तो उसने ठुड्डा मारा रायान पे, मैं बस यही रखना हमने. लेकिन मुझे अली भी पसंद हाँ, उसे क्या पता कहाँ हो गए, चलो चलो नहीं ठीक है. तो हमने फिर रायान अली रखा उसका okay. और आफिया का, द टू गर्ल्स वी हैड, उसमें से हमें, वी हैड आफिया एंड रानिया. तो हम आखिर में मायरा को और मुझे आफिया और ईमान दोनों पसंद थे, तो हमने आफिया ईमान रखा उसका. अच्छा, सो वी हैड दैट, वी लव दैट. एंड ऑफ ऑल पीपल वी नेम्ड आफिया आफ्टर माय ब्रदर्स मदर इन लॉ, जो मेरे भाई की सास है, उनके नाम पे हमने आफिया रखा. रौनक लगी होती है, तो एक ना एक रौनक लगी. तो क्या नहीं करना और क्या करना है, ये डिस्कस करते हो दोनों? हमने अपने बच्चों के साथ ये नहीं करा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, माइनर चीज से लेके भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे क्या कवानीन है घर के, वो क्लियर कट सबको हाँ. पता है. 20 मिनट टाइमर होता है और फिर गैप, तो फिर रेगुलेशन है. कौन सी चीज़ें मस्ट हैं, सलाम, खुदा हाफिज, बेसिक वैल्यूज, दे बोथ नो कि सब माफ़ हो सकता है, झूठ माफ़ नहीं हो सकता. आई मीन दीज आर द सर्टेन बेसिक वैल्यूज वी ट्राई टू होल्ड ऑन. एक बड़ी अच्छी बात बताई थी आपने कि आपको किसी ने कहा था कि पहले 6 साल जी वही हस्बैंड. हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात. हाँ, मौला अली का कॉल है, शो आई केम डाउन टू मी, कि पहले 6 साल जो औलाद है वो बादशाह है, अगले 6 साल आप बादशाह हैं, और उसके बाद आप दोस्त. और मुझे इसको, मैंने बड़ा अपने अंदर जरा इसको चर्न आउट किया, इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, क्या रेमिफिकेशन है, क्या प्रैक्टिकल है. इतना आसान हो गया से, इट रियली हेल्प्ड वाकई, कि पहले 6 साल वो वाकई बादशाह है. मजेदार बात, रियाया और बादशाह दोनों एक दूसरे को सर्व करते हैं, कैपेसिटी फ़र्क होती है. सो इवन अगर मैं बादशाह हूँ अगले 6 साल, तो मैंने भी सर्व करना है उसको, लेकिन कैपेसिटी फ़र्क है. और उसके बाद फिर हम पैरिटी पे आते हैं. ये पार्ट जो आपने जैसे कहा ना कि छोड़ना, लेटिंग गो, वो वहाँ आते हैं. You have to learn to let go. बच्चे हमारे नहीं है, हमारी अमानत है, that we have to let go, जो हमने दुनिया को देनी है, and for the futures to come. अगर हमने अपने पास रखना तो खुदा ना खास्ता तो कब्र में लेके जाएंगे इनको. तो we have to learn to let go. At 12 onwards, we have to practice to do that. अंग्रेजी समझ गए, आजकल के हम नहीं है समझ रहे. Which we need to practice. और let go करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जाएगा तभी तो वो वापस आएगा. इसमें कोई शक नहीं है ना? मुझे हम लोग, वो लोग बड़े लोग हाँ. कहते हैं ना कि आजकल की, चूंकि सही बात है एक तरह से, कि लड़कियों की तरबियत उसी तरह करें जैसे लड़कों की करते हैं. मैं कहता हूँ किसी तरह लड़कों की भी तरबियत उस तरह करें जहाँ लड़कियों की. क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटियों को बचपन से बताते हैं पराए घर की है, पराए घर की तो जाएगी, ये जाएगी. हम यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुमने चले जाना और हमने छोड़ना है. बेटों को हम बचपन से क्या कहते हैं कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो. यानी कि हमारी सारी जो शफकत है वो कंडीशनल हो गई. मैं तुम्हें, तुम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, ताकि तुम हम पे इन्वेस्ट बाद में करो. लेकिन बेटी पे हम ये नहीं कर रहे. बेटी पे हम इसलिए शफकत दे रहे हैं क्योंकि देनी चाहिए, क्योंकि तो अच्छी इंसान बनेगी, तुमसे बहुत अच्छी निकलेगी. ये चीज़ अगर हम बच्चों को भी करें तो फिर क्या होगा? आजकल क्या होता है कि बेटियाँ जो हैं वो बीमार बाप की तीमारदारी के लिए वापस आती हैं, माँ को देखने आती हैं, बेटे मसरूफ़ होते हैं. वी नीड टू बी अनकंडीशनल. और हम कोशिश करें हम भी अपने घर में दोनों के साथ इस मामले बिल्कुल एक जैसा रवैया होना चाहिए, बेटा हो या बेटी. आज कौन हो, क्या हो इतना कुछ समेटा है, इतना कुछ जिया है, इतना लंबा सफर किया है. मैं आपको कल बता सकूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मुड़ के देखता हूँ कि मैं उस वक्त कौन था. कोशिश ये करता हूँ कि आगे क्या करना है. टू बी ऑनेस्ट,
अब मैं स्टेज पे आ गया हूँ जैसे कि मैं ये नहीं देखता कि मैं कौन हूँ, पीछे मुड़ के नहीं बताता, मैं भी देख रहा हूँ कि यार किसी वक्त भी मौत आ सकती है, हमें करना क्या है, सो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी डूइंग नाउ, क्योंकि कल का वाकई हमें नहीं पता, तो जो कर लिया हो गया उससे आगे बढ़ो, आज देखो और कल जब आ जाएगा फिर मुड़ के देखने, हाँ भाई वो वाला उमेर कौन था, तो आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग बैक एट द ओल्ड उमेर्स एंड बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई इन रेट्रोस्पेक्ट। हाल में बस मैं आपके साथ हूँ, आपको मेहमान, दैट्स इट। और एक वालिद हो, वालिद एक अच्छे शौहर हो, होपफुली अच्छे दोस्त हो, आई वुड लाइक टू बिलीव सो, वो भी रिसेंटली मैंने सीखा कि मेरे कौन कौन से बैगेजेस हैं, लेकिन हाँ जो दोस्त हैं, जिगर हैं, जान है, इट्स कंप्लीटली, बट लेट्स सी। वो बचपन के दोस्त हैं अभी भी? अभी भी बचपन के बड़े दोस्त हैं, लेकिन जो बाद में बने हैं वो भी बहुत करीबी, एकदम से करीबी। और मैं मेरी आई मीन आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस, एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है जिसको मैं साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर सकता। मैं उस किस्म का शख्स हूँ कि मान सकता हूँ कि हाँ लव एट फर्स्ट साइड भी हो सकता है लोगों को, कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आई हिट ऑफ विद पीपल एंड आई लव टू टॉक टू पीपल, इन फैक्ट आई लव टू लिसन टू पीपल, मैं इसमें बोल बहुत रहा हूँ बट आई लव टू लिसन टू पीपल, आई एम अ पीपल्स पर्सन, मैं सूरज और लोगों के बगैर मर जाऊँगा। किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, कि पुराने वक्तों में मैं जैसे मुझे आज लग रहे हो कि जैसे आई कैन कनेक्ट विद यू बिकॉज आई थिंक हमारे बुजुर्ग ऐसे थे है ना, सो यू आर एन ओल्ड सोल, आई कैन सी दैट, आई कैन फील इट एक्चुअली, तो वहाँ किससे किस तरह के लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो? मुझे कैसे लोग, मुझे गैबाना इश्क अपने नाना से, गैबाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मैंने इसे शायद 3 साल की उम्र तक लगातार उनके साथ रहा हूँ, उसके बाद फिर हालात ऐसे हुए कि ये सेपरेट हुए, लेकिन अम्मी को इतना इश्क था अपने नाना से, इतनी हमने कहानियाँ सुनी कि मुझे गैबाना इश्क हो गया अपने नाना से, एंड आई कुड ओनली मीट हिम इन द एंड व्हेन ही पास्ड अवे, ओनली टू बेरी हिम, दैट्स इट। लेकिन उनकी जो सर्ट परसोना था वो, और बहुत लोग रैंडमली जो मिलते थे मुझे बाद में, वो कहते हैं बिल्कुल शाह साहब की तरह, सो दे कुड लिंक दैट, तो मुझे पता हुआ कि यार ये अब्बा जी कौन थे, हमारे अब्बा जी कहते हैं, सर लर्निंग अबाउट सर्टन ग्रेट वैल्यूज ऑफ दिस मैन, सो आई फेल्ट प्राउड कि अच्छा मुझे इस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं वाकई ओल्ड सोल हूँ। बचपन में हम लोगों के यहाँ मुशायरे वगैरह होते थे दुबई में, सलीम जाफरी साहब कराते थे, मामू की तरह थे वो, तो इतफा अबू ने कहा कि चलो हमारे साथ, मैं बड़ा मसला हो गया तो खाने के लिए मैं लेके गया हूँ पिज्ज़ा भी है, अच्छा पिज्ज़ा की लालच में उन्होंने उठा के हमें ले गए, तो लेकिन वो मुशायरा नहीं वो कवाली थी, तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में जब कवाली सुनी, एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट एज अ यंग लिटिल बॉय, तो साबरी बरादरान थे, मैंने लाइव सुनी, मैं पिज्ज़ा ही भूल गया तो फिर अगली दफ़ा उन्होंने कोई और चीज़ हुई तो उन्होंने कहा था कि इकबाल बानो जी आइए, तो मैं फिर पहुँच गया, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी भी कहा करती थी कि बचपन में तुम कहा करते कि शायरी जब समझ में आती कितना मज़ा आता है अम्मी, तो आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम, आई थिंक आई एम श्योर इट्स जेनेटिक, और क्या सुनने से आया, ओवेस में इतना नहीं आया मुझ में आ गया, तो अम्मी भी मेरे ख्याल से आई वुड एसोसिएट, थैंक यू अम्मी एंड द जेनेटिक्स एंड मे बी अब्बा जी, अभी भी बाज़ औक़ात मसला होना तो कभी कभार मैं अब्बा जी से बातें कर रहा होता हूँ। कभी घर में गुफ्तगू हुई कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे हमारे जो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और यू नो बहुत बार हिजरत की, बहुत बार, और एक ख्वाब देखा, बहुत बार, अब्बू 7 साल के थे जब उन्होंने हिजरत की थी, कहते हैं मेरे पाँव छाले पड़ गए थे, और उन्होंने ऐसे ऐसी अट्रॉसिटीज़ विटनेस की हैं जो कि अब चूँकि अब शऊर आया तो मैं मुड़ के देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि इसलिए अबू से खून नहीं देखा जाता, यू नो हालांकि इज़ वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग विल मैन, लेकिन ये चीज़ें नहीं देख सकते। हमारा जो हाउस होल्ड है, मायरा मैं हम लोग, वी आर वेरी पेट्रियाटिक, सुपर पेट्रियाटिक, मायरा इवन मोर देन मी, और हम लोग, मुझे लगता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जज्बा ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने अगली फेसेस नहीं देखे ज़्यादा, हमें वो ख्वाब फिर भी ताज़ा और अनटेंटेड रहा है, लेकिन यहाँ आके भी वो देखने के बाद तस्लीम करने के बावजूद मुझे इश्क है, मुझे इश्क इस तरह है कि मुझे लगता है कि हमें कुदरत ने, वक्त ने, खुदा ने, जिसने भी हालात ने एक ज़मीन का एक खित्ता हमारी जिम्मेदारी दे दी है कि इसको संभालो, और इसके ज़रिए हमने इंसानियत और दुनिया कायनात की खिदमत करनी है, तो मिल गया तो खिदमत करनी,
और बाकी जब चीज़ें मेरे जो वर्स्ट टाइम्स अदरवाइज लाइफ में रहे हैं तो वो ये पाकिस्तान की एसोसिएटेड रहे हैं. जब सैलाब आए और हमारे सदर साहब फ्रांस चले गए, जब हमारी क्रिकेट टीम उसी वक्त पे जुआ करते पकड़ी गई, इट वॉज द वर्स्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ. एंड द ग्रेटेस्ट टाइम्स आर ऑल्सो जब मुझे स्मॉल थिंग्स मेक द ग्रेटेस्ट टाइम्स फॉर मी. कि एक शख्स रुक गया, उसने कूड़ा उठा लिया ज़मीन से और फिर फेंका डस्टबिन. छोटी छोटी चीज़ें मैं ओह वो तो खैर ओह ईदी साहब ने मेरी जिंदगी में बहुत खुशी क्या बात. आई मीन आई कैन नॉट टेल यू कि हमारे घर उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती. कितना उनको मिल के हुआ था जब ईदी साहब फौत हुए थे. मायरा तो इनकंसोलेबल था, लेकिन इतने छोटे छोटे जगहों में हर एक अपना ईदी है फ्रैंकली स्पीकिंग. और मैंने देखा है और मेरा यकीन है कि जब सोसाइटी में गिवर्स ज़्यादा हैं गेटर्स कम है ना, तो सोसाइटी इसीलिए चल रही है क्योंकि लोग हैं और हर एक अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं. तो आई एम सुपर ऑप्टिमिस्टिक सुपर. हाँ, एक चीज़ जो कि बहुत रिपीटेडली दुखती है इज़ जब तबकाती तौर पे जो ताकतवर जो है वो कमज़ोर के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज, उस पर आई वीप, लिटरली वीप. जबकि हमने उनको प्रोटेक्ट करना है. बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी का काम है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे. बिल्कुल, यू नो, आई मीन हर लिहाज से, आप दीनी लिहाज से कोई भी मज़हब उठा लें उसमें ये है, आप हमारी पाकिस्तान की नज़रियाती लिहाज से देखें तो है. पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि जी वहाँ जी माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट सही नहीं है. अभी भी बाज़ औक़ात उठा के कहते हैं कि जी वहाँ देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ. ये बहाने हैं सियासी लिहाज से, कायदे आज़म की स्पीच के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से. I just consider कैसे ठीक करेंगे हम. देखिए, पहली बात ओवरवेल्म नहीं होना कि हम ये नहीं कर सकते कि एक दिन उठे पूरा पाकिस्तान ठीक हो गया. हमारी नाक की सीध में जो नज़र आ रहा है उसे करें. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इतनी बसात है, बेशक मीडिया हो या टीचिंग हो या बच्चे हो, तो एक एक करके तो हम ठीक कर सकते हैं ना. तो कोशिश करनी, कॉन्ट्रीब्यूट करना और अनकंडीशनल करना, लाइक ईदी साहब. और फिर सुकून आगे चला इंशाल्लाह. हाँ. चला नहीं चला तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम अपनी यानी डिसीशन ले लें. यस, है ना, क्लियरली. हाँ, डिसाइड कर लें, अपने बच्चों को वैल्यू फैसला कर लें कि बस हमने पाकिस्तान को बदलना है. बिल्कुल, तो शुरू हो जाएगा. ये है नजरिया. हाँ. ये असूल है, कानून है, इसके ऊपर हमने चलना. अगला चले ना चले हमने करना. हाँ, सिर्फ अपने आप से शुरू होता है. बिल्कुल, शुरू ही अपने आप से. अबू हमेशा कहा करते हैं तू अपनी निबेड़ तेन होर नाल की अपनी निबेड़. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. What makes you happy? Me? Oh. I as I said, small things, very small things. A good weather makes me happy. My baby's toes makes me happy. Good food makes me very happy. Do you cook? A little bit, not much. जैसे मायरा नहीं थी तो पास्ता बना के बच्चों को खिला रहा था. नाश्ता मैं अच्छा बना लेता हूँ क्योंकि जिंदगी भर बचपन से मैं पहले उठता था और नाश्ता खुद बनाता था. तो एग्स का मास्टर. गाना गाते हो? शौक से. सीखा है? नहीं, आई मीन स्कूलों में जितना सीख सका सीख लिया, लेकिन उसके आगे फिर जो होना चाहिए बाकायदा रियाज वो. पेंट करते हो? अब नहीं, बचपन में किया, फिर जवानी में थोड़ा किया, फिर छोड़. लिख रहे हो? अब फिर से शुरू कर रहा हूँ. अब शुरू. तो क्या लिखोगे, फिक्शन या अपनी डायरीज? नहीं, मेरा जो दो चीज़ें मैं लिखना शुरू हो गया हूँ. या पोइट्री की किताब? पोइट्री छोड़ दी मैंने. मैंने पोइट्री उसके बाद ही छोड़ दी जब कोई चीज छोड़ी नहीं जाती. शायद वापस आ जाए. हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता जो आपने किया होता है ना. लेकिन जो अब मैं दो चीज़ों पर आ रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ लाइक ए डायरी, अपने रिफ्लेक्शन, अपने थाट्स, मॉडर्न टर्म्स वो लोग ब्लॉग्स कहते हैं लेकिन मैं पब्लिक नहीं कर रहा. और दूसरा मैं स्क्रिप्ट की तरफ आ रहा हूँ. हाँ, वो मेरा कंफर्ट, वो मेरी लैंग्वेज है. हाँ, मेरा कंफर्ट लैंग्वेज है, तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ. अब वक्त आ रहा है, डिसिप्लिन ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन मेरे लिए हर ये सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं ये सब एक पेडेस्टल पे मैं रखता हूँ. एक अदब है, एक यू नो एक कला है, इसकी इज्जत करनी है. तो मुझे लगता है कि मैं को बहुत ही कुछ छोटी सी चीज़ हूँ जो ये करने की कोशिश कर रहा है. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हो रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, यू नो लेट मी ट्राई. तो करता रहूंगा तो कुछ बेहतर. जिंदगी क्या है? जिंदगी इज टाइम, एंड टाइम वेल स्पेंट इज गुड लाइफ. और इट हैज टू बी वेल स्पेंट, अदरवाइज इट्स नथिंग.
आपकी आपकी इच्छा होनी चाहिए जिंदगी में, वरना कुछ नहीं है. That's what life is for. और बात? बरहक, inevitable. The moment you were born, the moment you were conceived. I mean, I've seen it so early. लेकिन now दोनों को अगर मैं जोड़ सकूँ is जिंदगी का मकसद है कि I want to see them in heaven. कुछ अच्छा करना ताकि वो रिसीव कर सके. मैं खैर वो तो पुक गए ना. सो इट्स लाइक व्हाट टीयर्स इन हेवन लाइक एरिक क्लैप्टन वुड से. तो नीड टू बी देयर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया.